बरेली समाजवादी पार्टी की महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष रीबू श्रीवास्तव आज बरेली पहुंची और विपक्ष पर निशाना साधते हुए बोली कि आज हम कई जिलों में दौरे करने के बाद बरेली पहुंचे हैं और उसके बाद बदायूं और अन्य जिलों में भी भ्रमण करेंगे। समाजवादी पार्टी की पूर्व मंत्री महिला सभा प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि भाजपा ने कोई ऐसे कार्य नहीं किए जिनसे महिलाएं खुश हों। घर की गृहिणी महिला होती है, आज रसोई गैस सिलेंडर महंगा है और अन्य बातों में देखा जाए तो महंगाई चरम सीमा पर है, लेकिन भाजपा की सरकार को इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए आने वाले चुनाव को देखते हुए हम सभी जिलों का भ्रमण कर रहे हैं और महिलाओं को एकत्रित करने का कार्य कर रहे हैं ताकि महिलाएं संगठित हो सकें और अपने सही मत का प्रयोग करके आने वाले चुनाव में समाजवादी पार्टी को जिताएं। महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि आज पूरा प्रशासन सरकार का तंत्र बनकर काम कर रहा है और समाजवादी पार्टी को हराने की कोशिश कर रहा है और जिले में एक सरकारी तंत्र की तरह सभी लोग भाजपा कार्यकर्ता बनके भाजपा को जिताने का कार्य कर रहे हैं, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि जनता सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेगी और कर रही है। और बात की जाए जंतर मंतर पर अपने हक की लड़ाई लड़ रही बेटियों की, तो भाजपा सरकार ना इनकी ओर देख रही है ना उनके हित के लिए कोई कार्य कर रही है। शासन और प्रशासन की पूरी मनमानी है, भाजपा के एजेंट बनके वो लोग काम करते हैं और उनको सबसे ज़्यादा परेशानी, देखिए निर्दलीय इस चुनाव में कितने जीते, क्योंकि उनको निर्दलियों से परेशानी नहीं है, उनको समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों से और समाजवादी पार्टी को मजबूत होने से परेशानी है। निर्दल बहुत सारे जीते जो भाजपा से ज़्यादा कैंडिडेट निर्दलीय हैं, तो आप वो कैसे जीत गए? तो उनको सिर्फ समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट्स को हराने में पूरा इनका शासन प्रशासन लगता है। ये पार्टी हमारी हारी नहीं, और पहले से जो भी कैंडिडेट हमारे हारे भी हैं 2022 में हो या नगर निगम के इलेक्शंस में हो, वो बहुत कम वोटों से हारे हैं। पिछली बार की तुलना में दुगुने वोट पा करके भी वो अगर हारे हैं, तो इसमें शासन और ये सरकार की मंशा है। राजस्थान के 12 कवाई एमबी पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल के छात्रा ने हाल ही में 12वीं कला बोर्ड में 96-80% अंक प्राप्त कर राजस्थान में 7वां और कोटा संभाग में प्रथम स्थान प्राप्त कर समाज और क्षेत्र के साथ साथ अपने स्वर्गीय पिता परिजनों और गुरुजनों का नाम रोशन कर बालिकाओं के लिए एक मिसाल कायम कर छात्र छात्राओं के लिए एक मैसेज दिया है कि हम चाहें तो कोई भी वह काम मुश्किल नहीं है जिसे हम नहीं चाहते हैं, हर काम आसान हो सकता है। तन और मन से मेहनत और लगन के साथ कोई काम करना चाहते हैं तो इसी हौसले और जज्बे को लेकर अटरू तहसील क्षेत्र की सिंधनी निवासी प्रतिभा सिंह सिरोहिया, सुपुत्री श्री रघुवीर सिंह और सुपुत्री स्वर्गीय श्री देवेंद्र सिंह सिरोहिया हाल निवासी कवाई सालपुरा ने एमबी पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल से हर मुश्किल को आसान बना दिया और राजस्थान में अपने स्कूल को अव्वल दर्जा दिला दिया। कस्बे के निजी विद्यालय एमबी सीनियर सेकेंडरी स्कूल की छात्रा प्रतिभा सिंह 12वीं बोर्ड कला वर्ग में 96.80% अंक प्राप्त कर 12 जिले और कोटा संभाग में टॉपर रही। तो बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं। आपने 96.80% जो नंबर प्राप्त करके जो आपने समाज का, स्कूल का और क्षेत्र का जो नाम रोशन किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं। आप क्या संदेश देना चाहते हैं बाकी छात्र छात्राओं? मेरा यही संदेश है कि सभी पढ़ाई लिखाई करके अपने समाज का नाम रोशन करें, अपने माता पिता का नाम रोशन करें। आपने जो 90.6 जो नंबर आपने जो प्राप्त किए है, तो इसके पीछे क्या रीजन है? आपने कितनी मेहनत की है, किस तरीके से मेहनत करी है आपने? मैं नियमित रूप से 6-7 घंटे पढ़ती थी और मेरे विद्यालय वालों का, सभी गुरुजनों का, परिवार वालों का, सभी का सपोर्ट रहा, इसीलिए 96.80% मैंने हासिल किया। और इसके अलावा जैसे आपने शिक्षा के क्षेत्र में, और सबसे ज्यादा ध्यान मैंने सेल्फ स्टडी पे दिया है। हम प्रतिवर्ष तहसील या विलियम टॉपर होते हैं और इस वर्ष भी हम हमारे विद्यालय की आर्ट्स की बालिकाओं ने 90+ मार्क्स प्राप्त किए और हम जिले में 96.80 अंक लाकर के प्रतिभा सिंह जिले में टॉपर रही है। और इसी प्रकार साइंस का भी इस वर्ष हमारा रिजल्ट 100% रहा है, पूरे बच्चे विज्ञान वर्ग में पास हुए हैं और हमारी मेरी शुभकामनाएं सभी बच्चों को। बरेली ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने
जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती को नसीहत देते हुए कहा कि वो एक जिम्मेदार मुस्लिम महिला हैं और राज्य की मशहूर सियासी शख्सियत हैं। मुख्यमंत्री भी वे रह चुकी हैं। इन तमाम खूबियों के साथ साथ वो मुसलमान भी हैं, इसलिए शरीयत का कानून उन पर नाफिज होगा। इस्लाम के तमाम नियम और कानून को अपनाना होगा। मौलाना बरेलवी ने आगे कहा कि महबूबा मुफ्ती गत दिनों एक मंदिर में गई थी और वहां के धार्मिक कार्यक्रमों में भाग लिया था। जब हमने उनकी गलती का एहसास कराया तो उन्होंने शरीयत का सम्मान करते हुए तौबा करते हुए एक अच्छी मुस्लिम महिला होने का सबूत दिया, मगर कल फिर वो किसी मंदिर में पहुंची और वहां पर धार्मिक कार्यक्रमों में भाग लेकर अपना योगदान दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जम्मू कश्मीर की साबिक वज़ीर-ए-आला मोहतरमा महबूबा मुफ्ती ने गुज़श्ता दिनों एक मंदिर में जाकर के मजहबी कार्यक्रम में हिस्सा लिया, उस पर हमने उनको शरई तौर पर एहसास दिलाया, उनको जिम्मेदारियों का एहसास दिलाया और शरीयत के उसूल जाब्ते बताए, तो उन्होंने अपनी जिम्मेदारी महसूस करते हुए एक अच्छी मुस्लिम महिला होने का सबूत देते हुए तौबा की और फिर उस पर उन्होंने जो है वो इजहार अफसोस भी जाहिर किया। मगर कल फिर उन्होंने इसी तरीके से एक वाकया वकू पजीर हुआ उनके जरिए और वो एक मंदिर में गई, धार्मिक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। प्रदेश के मुखिया अपने भाषणों में पहले ही इस बात को दोहरा चुके हैं कि जिस विभाग की खबर छपे उसकी तुरंत बत्ती जल जानी चाहिए, नहीं तो मैं एक्शन ले लूंगा। ऐसा पिछली बार प्रदेश के मुखिया ने अपने भाषणों में कहा था, लेकिन अधिकारी अपने कर्म से लापरवाह हो तो उनको किन उपाधि का दर्जा दिया जाना चाहिए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राजगढ़ जिले की सुठालिया तहसील, जो हमेशा अवैध ठेकों और अवैध रेत खनन के लिए चर्चा में रहती है। ऐसा ही एक कारनामा पिछड़ी हुई बस्ती की आड़ में सुठालिया परलापुरा के नाले के पास अवैध शराब का ठेका खूब फल फूल रहा है। आखिर क्यों मेहरबान हो रहे आबकारी विभाग इन अवैध ठेकों पर? क्या कोई साठगांठ है या कोई राजनीतिक दबाव या फिर ठेकेदार की तगड़ी साठगांठ होने के कारण आबकारी विभाग इन ठेकों पर कार्यवाही करने से कतरा रहे हैं, या फिर शासन और प्रशासन को इन अवैध ठेकों पर कार्यवाही करने का कोई अधिकार ही नहीं है? ऐसे में शासन प्रशासन और आबकारी विभाग की खूब किरकिरी हो रही है।